सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम मेरे संग की औरतें पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। आशा है आप तैयार होकर आए होंगे। हमारा प्रश्न है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। मैम कनक, मैम प्रथम श्रीवास्तव, प्रथम प्रथम बताइए आप। यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने के उद्देश्य से किसी को बदला नहीं जा सकता। इस पाठ के अनुसार एक चोर दीवार लांघ कर कमरे में आ जाता है। उसी कमरे में उनकी माँ सो रही थी। आहट सुनकर उनकी आंख खुल जाती है। उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, चोर। माँ जी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेने गया, तभी पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और माँ जी के सामने पेश किया। माँ जी ने आधा पानी पिया और आधा पानी उस चोर को दे दिया और फिर कहा कि अब हम दोनों खून से संबंधित हो चुके हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम चोरी करो या खेती। इसके बाद चोर ने चो इसके बाद चोर ने चोरी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब यदि वह मारपीट करते तो चोर ना सुधरता। तो हम कह सकते हैं इस बात से यह प्रमाणित होता है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को राह पर लाया जा सकता है। जिस प्रकार से दादी ने चोर को सहजता से खेती बाड़ी करने के रास्ते पर लगाया। ठीक है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का वर्णन कीजिए कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका के आप प्रयास बताइए कि उसने इस दिशा में क्या-क्या प्रयास किए। मैम कनक, मैम प्रथम मैम श्रीवास्तव, कनिष्का, कनिष्का बताइए बेटा। मैम शिक्षा बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात लेखिका ने अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बच्चों की शिक्षा के लिए उसने लेमिनेटिक प्रयास किए। शादी के बाद लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। कर्नाटक के बागलकोट। कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। वहां उसे के बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध ना था। उसने वहां कैथोलिक विश्व में प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीन भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार से माना था कि दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। शाबाश कनिष्का, वेरी गुड। टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि आपने रिवीजन में पार्टिसिपेट किया, आपने आंसर बताया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर कि पाठ के आधार पर, कौन से पाठ के आधार पर, मेरे संघ की औरतें। ठीक है, बताइए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। कैसे लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है, कौन बता रहा है इसका उत्तर? बेटा, जो परोपकारी लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहते, दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना तन, मन, धन, समय, श्रम आदि सब कुछ लगा देते हैं। नाम सारिका, नाम नाम कनक, उदित।
उदित आप बताओ। मैम जीवन के उन लोगों को स्वार्थ भाव से रखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित ना रहने दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जो दूसरे की भलाई में भी अपने अपना धन समय श्रम आदि लगाने की से भी नहीं घबराते हैं, जो दूसरों की गोपनीय बातों को दूसरों तक जो दूसरों की गोपनीय बातों को फैलाते नहीं है वो श्रद्ध भाव आदमी होते हैं। श्रद्धा भाव के वे श्रद्धा भाव के पात्र होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। कोई और बताना चाह रहा है इसका उत्तर? मैम करना। हाँ बोलो बेटा। जो दूसरों की भलाई के लिए जो दूसरों की भलाई करते समय घबराते नहीं है, जो घर परिवार के अलावा सबको राय देते हैं, जैसे लेखिका की माँ ऐसी ही करती थी। ठीक है, एक और प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लेखिका की परदादी ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए? मैम सारिका। हाँ जी बेटा सारिका। मैम करना। मैम उस जमाने में जब लोग पुत्र 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 की कामना करते हैं और पुत्री की कामना नहीं करते थे, उस समय लेखिका की परदादी ने भगवान के पास जाके अपनी जो बहू है उनकी पहली संतान बेटी होने का मन्नत मांगी, प्रार्थना की था, और इसके कारण सभी लोग हैरान थे और इसे अपने और भगवान के बीच सीमित रखने के बजाय उन्होंने यह बात सब जगह फैला दी, सभी को बता दी। उन्होंने अपने तरफ से कोई सफाई नहीं दी। इसे सुनके सभी लोग दंग हो गए कि वह जिस जमाने में सब पुत्र की कामना करते उस समय वह पुत्री की कामना कैसे कर सकती है। हाँ, तो लेखिका की परदादी जो थी उनको पौत्र की नहीं पौत्री की इच्छा थी और उन्होंने भगवान से ये मन्नत मांगी थी, ये दुआ मांगी थी कि उनकी पोतहू की पहली संतान जो है वो लड़की पैदा हो ना कि लड़का। और समाज सदा से ही जो है वो लड़कों की कामना करता रहा है, पर लेखिका की परदादी ने वह दुआ मांगी जिसे समाज बोझ समझता था। उनकी मन्नत के बारे में जानकर सभी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने यह बात सभी को बता दी थी कि उन्होंने क्या लड़की के लड़के के स्थान पर लड़की की मन्नत मांगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लेखिका 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता समारोह देखने क्यों नहीं जा सकी? मैम सारिका। मैम कनिष्का। सारिका भी बता चुकी है, कनिष्का भी बता चुकी है। कोई और नहीं बताना चाहेगा? सी सेक्शन क्या बात है, आज आपने मौन व्रत धारण किया है। सार्थक। यस मैम। आज मौन व्रत धारण किया है, कोई आंसर नहीं देंगे बेटा? नो मैम। तो जवाब दो, लेखिका 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता समारोह देखने क्यों नहीं जा सकी? यस मैम। मैम लेखिका को पारिवारिक विरासत के देश प्रेम की गुप्त मिला था, इसलिए डॉक्टर की राय मानकर डॉक्टर ने कहा था कि जो उनकी तबीयत खराब है तो वो बढ़ सकती है, इसलिए वो 15 अगस्त को स्वतंत्रता समारोह में नहीं जा पाई। नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं बताया आपने, क्या था, क्या बीमारी हो गई थी उसको? हाँ बोलो कनक। लेखिका 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता समारोह देखने इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि उसे टाइफाइड हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर ने उसने राय दी कि उन्हें घर पर रहना चाहिए, इसलिए वे आजादी के दिन वहां नहीं जा सकी। हाँ, लेखिका को टाइफाइड हो गया था और उस समय टाइफाइड जो है गंभीर बीमारी मानी जाती थी, डॉक्टर ने उसे वो घूमने के लिए चलने फिरने के लिए मना किया था,
डॉक्टर की राय मानकर उसके माता पिता उसे साथ नहीं ले जा सके और वह स्वतंत्रता समारोह नहीं देख सके। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। एक और प्रश्न अंतिम पूछ रही हूँ, इसके बाद आपका समय समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर आप जल्दी से दीजिएगा। लेखिका की बहनें हीन भावना का शिकार नहीं हो पाई, इसका क्या कारण था? मैम कनिष्का बताओ बेटा। लेखिका और उसकी बहनें हीन भावना की शिकार इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लेखिका का जन्म उसकी परदादी द्वारा मांगी गई मन्नत के फल स्वरूप हुआ था। उनका भरपूर आदर सरकार हुआ। लेखिका की नानी देशभक्त तथा स्वाभिमानी महिला थी। उनके मन में आजादी के प्रति गहरा लगाव था। इसी कारण लेखिका की माँ आजादी होना स्वतंत्रता सेनानी ना से हो सकी। इससे आजादी प्रियता के गुण होने के विस्तार से मिल गया। उसके अलावा लेखिका तथा उसकी बहनें और शिक्षक पारिवारिक संस्कार मिले जिससे उन्हें हीन भावना छू भी ना सकी। शाबाश कनिष्का। तो इसका उत्तर ये होगा बेटा कि लेखिका और उसकी बहनें जो थी हीन भावना का शिकार इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उनका जन्म उनकी परदादी ने मन्नत मांगी थी इसलिए हुआ था। ठीक है, और घर का जो वातावरण था वो बहुत ही अच्छा था, हेल्दी था, स्वस्थ था, सबका सारी महिलाओं का आदर सत्कार किया जाता था और इसलिए उनमें कभी भी ऐसी अपने प्रति कोई हीन भावना की बात नहीं आई किसी भी बहन में। ठीक है, तो बाकी कनिष्का ने बता ही दिया है, तो आशा है आप सभी को समझ आया होगा। तो अब समय समाप्त हो गया है, इसलिए आपसे अनुमति चाहती हूँ, कक्षा यहीं विराम देते हैं कक्षा को। धन्यवाद।